मलकानगिरी जिल्लारु आरंभ होउछि राज्य सरकार बड़ बड़ योजना किंतु जिल्लारु काहीं हजि जाउछि विकास। आज भी मलकानगिरी जिले में शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन भली मौलिक सुविधा वंचित अछि मलकानगिरी जिला जहाँ को नहीं आज बसी जिला बीजेपी राज्य संपादक टंकधर त्रिपाठी आज मलकानगिरी जिले उपस्थित होती मलकानगिरी जिले में सांबादिक सम्मेलन कर राज्य सरकार उपरे अनेक गुड़े क्वेश्चन उठाई सीधा साल आलोचना करें टंकधर त्रिपाठी सहित आज्ञा कौन कहे आज आप मलकानगिरी जिले में विकास मलकानगिरी जिले में पछघुंचा दे कौन पे देखु मलकानगिरी जिला को राज्य सरकार दीर्घ 21 वर्षर शासन में सबत पुव भाया व्यवहार कर बारंबार मलकानगिरी जिला को प्रतारित कर मलकानगिरी जनसाधारण को बोका बनेबार चेष्टा करके विफल तथापि बोका बनवाप छाड़ी ना गत 20 तारिख दिन मुख्यमंत्री तांकर पूरा मंत्रिमंडल सबू विधायक मानक नहीं विराट पटुआर धरिक आसिले मलकानगिरी जिला को पुरुणा बोतल रे पुरुणा मदरे नुआ लेबुल मारिकी विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रा स्मार्ट कार्ड एठी उद्घाटन करिया पई आथले मलकानगिरी बासी अपेक्षा करथले काले मुख्यमंत्री एठी तांकर विपर्यस्त स्वास्थ्य सेवा को सुधारिबे कि काले एठी ओडिशा राज्यर स्वास्थ्य मंत्री एठी तांकर स्वास्थ्य सेवा को सुधारिबे कि किंतु मलकानगिरी बासी पुणी थरे निराश हेले विजु जनता दल शासन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पुणी थरे प्रतारित कले 197 टी सेंक्शन डाक्तर पोस्ट अच्छी 91 टी पोस्ट खाली अच्छी 294 टी सेंक्शन स्टाफ नर्स पोस्ट अच्छी 124 टी खाली अच्छी एटी स्वास्थ्य सेवा मिलिबो केमती ए कार्ड रो कौन आवश्यकता अच्छी जो कार्ड हॉस्पिटल रे डाक्टर नहांती हॉस्पिटल रे नर्स नहांती स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त हो पड़ी जोठी ट्रीटमेंट मिलूना से कार्ड को लेकिन क्या देखे बाघ को ड्राइविंग लाइसेंस बाघ को ड्राइविंग लाइसेंस एठू जा पड़ोसी राज्य जिते बड़े ट्रीटमेंट होगापी जातेबले से कार्ड कम करूना मलकानगिरी बासी को आते दिन बोका बनइबे मलकानगिरी बासी 20 वर्ष रे मु आज आपणकर माध्यम रे राज्य सरकार को खोला चैलेंज करूची जदि ससाहस अच्छी राज्य सरकार को जे भी आसिकी आम सामना रे कथा हुंतु मलकानगिरी पाई गत 21 वर्ष रे स्वास्थ्य रे शिक्षा रे रोजगार रे कृषि रे कौ क्षेत्र रे मलकानगिरी पाई कौन करछंती गोटिए जदि उदाहरण दे देबे ताहेले तो मलकानगिरी बासी तांकू भगवान मानिबे किंतु तांकू कोनोसी काम करिनांती एठी लोकमानकू केवल प्रतारित एवं बोका बनेबार चेष्टा करछंती गोटे कथा कह आज्ञा मुख्यमंत्री बंडा महिला स्मार्ट कार्ड बंटन आरंभ कले किंतु बंडा घाटी कथा कहवा स्वाभिमान अंचल कथा कहवा से जगह स्वास्थ्य व्यवस्था पहुँची पारे बंडा घाटी में गोटे हस्पिटाल स्वाभिमान अंचल दुईट हस्पिटाल सीटा पुणी ठिका डाक्तर तो यही जो जिनस गुट देखिले स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला संपूर्ण भाव पछुआ पड़ी डाक्तर पदवी संख्या पूरण होनी आगे जो तृतीय लहर आस राज्य सरकार कहते प्रस्तुत अच्छा किंतु कौन देखुंस विषय आज्ञा आप बंडा घाटी कथा कहते मु सदर महकुमा कथा कहूँ मलकानगिरी सदर महकुमार डाक्तर नहांती सदर महकुमार स्पेशलिस्ट नहांती बंडा घाटी कथा तो बहुत बड़ कथा कहले ये सरकार टिके हेले चिंता अच्छी एठू केमती हरिलुट करेठिकार लोक मानती बोका बनइबे छड़ा किसी करना स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण भाव में विपर्यस्त हो पड़ी आमर विधायक आदित्य माढ़ी एठिकार लोकप्रिय विधायक से दिन समस्त सामने उपस्थापन दाबी उपस्थापन करते मुख्यमंत्री चुप रही कहीं स्वास्थ्य मंत्री चुप रही कहीं तार जवाब देले आमर जिला परिषद चेयरमैन एठी दाबी उठाई जदि ससाहस था मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री तांकर मंत्रिमंडल जो मैंने मुख्यमंत्री विधायक जो विधायक मुख्यमंत्री विजु जनता दल आज आगधाड़ी नेता साजिंट एटी लोक मानक विभाजित करति भितर विभाजित करदिन जवाब देना कहीं निश्चित कह जो मलकानगिरी जिलार विकास कहीं पछुआ रही सीधा सड़क आम आलोचना करते नकद त्रिपाठी सहित गोटे कथा कह रवि आज्ञा आप दुईट बड़ जिनस उपस्थापन कले जो बंगीय पर राज्य सरकार अणदेखा कर सहित जिले में बेकारी समस्या कौन कह विषय देखो 1971 मसीह बंगीय मानक विस्थापित करा आज पर्यंत से मानकर जमीर पट्टा पहुँची पार्लानी कि 4 डिसमिल घरडीह पट्टा पहुँची पार्लानी जो कष्ट से लोक मैंने अच्छा आम एम भि 46 अंचल को अभी बुलवा जाइलु से अंचल धान जो जीवन जीविका पर निर्भर करुच्छी से धानर अंडर रेट
9-10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 8 କେଜି ରୁ 9 କେଜି କଟନି ଛଟନି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲା ଯଦି କହିବା ମାଲକାନ ଜିଲ୍ଲା ସେମିତିକି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ତତ୍ପର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ନା, ଆମର ମାନେ ଗୋଟିଏ ନମୁନାରୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଠି ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ବିଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ଆଧାର କରିବେ, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପାଣି ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏଠି ମାଇନିଂ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, 1994 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟର ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ପୂରଣ ବି କଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏବେ ବାଘ ଖୋଲ ପିନ୍ଧି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛି ମୁଁ ବାଘ। ପ୍ରକୃତରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କେମିତି କରାଯାଉଛି, ଏଠି ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଜେପିର। ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା MLA ମହାସଂଘ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଖଳପା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୁଇ ଜଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗଲେ, ଏଠୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କଥା ଚାଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ ହୁଏ ସେଇଟା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ମାଲକାନଗିରି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଆଜି ଜିଲ୍ଲା BJP ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ବିକାଶ ହେଉନି, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ଅଛି ମାଲକାନଗିରି, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ହଜିଯାଇଛି ବିକାଶ। ମାଲକାନଗିରି ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲେଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।